शवों को उगलते मलबे के सैलाब ने हर जगह तबाही और बर्बादी की निशान छोड़े हैं। आप देखिए किस तरह से मुंडक्की टाउन से अगर हम आपको ये तस्वीर दिखाएं तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये सैलाब आखिर आया कैसे। आप देखिए वो जो जगह आपको नज़र आ रही है बिल्कुल कोने में एक पहाड़ जो दरका हुआ यहाँ से साफ साफ दिख रहा है तस्वीरों में, ये दरअसल मुवत्तनपुरा जो सबसे पहला जो मुत्तप्पनपुरा जो पहला पॉइंट है उस लैंडस्लाइड का, वो यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। वहाँ पर अभी आपको ये बीच में एक खाई नज़र आ रही होगी। दरअसल दोनों तरफ अगर हम पहले की बात कर लें तो ये जो आपको हरे भरे जंगल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दोनों, ये पूरा इलाका जो था ऐसे ही हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। अब इन दोनों के बीच में एक मैदान बड़ा नज़र आ रहा है आपको। ये मैदान एक्चुअली वो रास्ता है जहाँ से ये सैलाब मुत्तप्पनपुरा से दरक कर आगे यहाँ पर मुंडक्की टाउन तक आया था। अब जब ये आपको ये मैदान यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, इस मैदान में कई सारे मकान थे। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि तकरीबन इस टाउन में 300 से ज़्यादा मकान थे और अधिकतर मकान इस सैलाब की भेंट चढ़ गए, इस लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गए। कई सारे लोग यहाँ से एक अलर्ट साउंड होने के बाद जा चुके थे। जो लोग यहाँ पर रह गए वो अभी भी कह सकते हैं कि मलबों में दबे हुए हैं। लगातार जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, स्टेट एजेंसियाँ, सेंट्रल एजेंसियाँ, जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनकी मदद से, आप देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर रेस्क्यू टीम के लोग जो हैं पहुँच पाए हैं मुंडक्की टाउन पहली बार, और यहाँ पर रेस्क्यू को अंजाम भी दिया जा रहा है। और जैसे जैसे आगे वो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन मलबे के ढेर से शवों का भी पता लग पा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन भी है, लेकिन जिस तरह की तबाही और बर्बादी ये लैंडस्लाइड लेकर आया है केरल के लोगों के लिए, इससे पार पाना बहुत ज़्यादा चुनौती भरा साबित हो रहा है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, मुंडक्की टाउन, वायनाड। मुंडक्की टाउन की ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा डराने वाली है, दिल को दुखाने वाली है। आप देखिए एक घर जो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुआ है, उस घर से बाहर यहाँ पर कुछ फ़ोटो हैं जो बाहर आकर पड़ी हुई हैं। आप देखिए किस तरह से ये फ़ोटो यहाँ पर पड़ी हुई है। दो प्यारे प्यारे बच्चे इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आगे अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक और फ़ोटो है। ये फोटो मलबे के ढेर में जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है तो वाकई में दिल बैठ जाता है। एक क्षतिग्रस्त घर के बाहर ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरह से दो प्यारे प्यारे बच्चे इन फ़ोटो में नज़र आ रहे हैं। लगता है कि किसी परिवार का ये फोटोग्राफ है यहाँ पर, जो उन्होंने अपने लिविंग रूम में लगाने के लिए बनाया होगा। लेकिन आप किस तरह से देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटोज़ यहाँ पर हैं इनको अब ये मलबे में आकर गिरे हुए हैं। इनके लोग कहाँ पर हैं, क्या ये लोग सुरक्षित रिलीफ कैंप में पहुँच गए हैं या फिर यहाँ से इस मलबे में समा गए हैं। आप देखिए किस तरह से एक पूरा परिवार की यहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफ्स इस मलबे के ढेर में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर एक एक फ़ोटो को देखेंगे तो लगता है कि एक ही परिवार की, मतलब एक ही घर से निकली हुई ये सारी तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से इस घर का जो टूटा हुआ हिस्सा है वहाँ से निकलकर ये तस्वीरें यहाँ पर पहुँची हैं। अब ये लोग जीवित हैं या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या ये लोग यहाँ से ज़िंदा निकलकर रिलीफ कैंप में पहुँच गए, क्या ये लोग पहला जब अलर्ट साउंड हुआ था तब यहाँ से निकल चुके थे, या फिर इस घर में रुक गए थे जो अब एक खंडहर नुमा शक्ल ले चुका है। क्या ये लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद थे, या फिर इनके शव अगर निकले हैं तो वो कहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचे। यानी तमाम सवालों के बीच ऐसी तस्वीरें जो है बार बार दिल को बैठा देती हैं। जैसे ही हम मुंडक्की टाउन में एंटर करते हैं सबसे पहले ये बड़ी मस्जिद यहाँ पर नज़र आती है। ये मस्जिद अगर हम आपको ज़मीन से दिखाएँ तो आप देखिए उस तरफ, अगर हम आपको ज़मीन से दिखाएँ तो ये 10 से 15 फीट ऊपर एक टीला नुमा जगह पर बनी हुई, यानी ऊपरी जगह पर बनी हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके साथ जो मलबे का सैलाब आया वो कितना ऊपर तक उठा हुआ था। इस मस्जिद के अंदर आप देखिए किस तरह से जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उसमें सिर्फ अभी
पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो मलबे से भर गया है। ये सबसे बड़ी मस्जिद इस टाउन की है और यहाँ पर लोग जो हैं सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए आते हैं। रात के वक्त जब इस टाउन के लोग सो रहे थे तो ऐसा जलजला आया जिसने इस पूरे टाउन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पर लोग जो स्थानीय लोग हैं, अभी कई सारे लोगों को यहाँ पर रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू टीम की मदद से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आगे आगे धीरे धीरे रेस्क्यू टीम बढ़ रही है क्योंकि ये टाउन जो है वो पूरा, आप देखिए अभी आपको ये मैदान जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअली मैदान नहीं था, ये दोनों तरफ यहाँ पर ये पूरा एक जंगल था। अब जब पहाड़ के कटने के बाद ये पूरा इलाका मैदान में बदल गया, जगह जगह आपको बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए NDRF की टीम कितनी अंदर तक जाकर, जो स्टेट रेस्क्यू टीम है, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके वॉलंटियर्स के साथ मिलकर कैसे अंदर तक लोगों को यहाँ पर खोजने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक पूरा बसा बसा इलाका है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि जो मिट्टी के जो ये बड़े बड़े आपको यहाँ पर दर्रे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी मकान थे, लोगों का बसेरा था। तो ऐसे में वो घर सब तबाह हो गए, कैसे वो पानी की चपेट में इन बड़े बड़े बाउल्डर से टकराने के बाद टूट कर बिखर गए और पानी के सैलाब के साथ बह गए। कुल मिलाकर ये एक तस्वीर है जो ये बयां करती है कि जो ट्रेजेडी है उसका स्केल कितना है। कैमरामैन किरण के साथ T. राघवन, इंडिया TV, मुंडक्कई टाउन, वायनाड।